आज मैं इस बस्ते की अनबॉक्सिंग करूंगा, इसे फाड़ूंगा, चीरूंगा और तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पीके से पीयूष टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो ये एक बस्ता है जो मेरे हाथ में अभी, और भाई अनबॉक्सिंग की बात करें तो हमसे बहुत प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग की उम्मीद तो आप रखिएगा ही मत। तो इसलिए हम पहले इस बस्ते को इस तरीके से चीर लेते हैं। चिराजा, देखिए जानवर की तरह हमने इस बस्ते को खोल लिया है और इसके इस रैपर को हमें कोई इज्जत नहीं है, इस तरह फेंक देंगे हम। और इसके अंदर एक प्यारा सा बस्ता निकला है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता कैसे चलेगा इसके अंदर क्या है। बस इसके पीछे एक कोड है जो आप देख के स्कैन भी नहीं कर सकते हो। कहाँ से स्कैन करोगे, डायरेक्ट मोबाइल से। तो चलिए इस बस्ते को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बस्ते के अंदर क्या है, कोई सीक्रेट चीज हुआ तो। इसीलिए चलिए देखते हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस बस्ते को खोलने से पहले हम यहाँ पे एक लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, जिससे अगर इस बस्ते के अंदर बम हुआ या कुछ और हुआ और वो फूट गया तो दिक्कत हो जाएगा हमें। इसीलिए हम इस बस्ते को खोलने से पहले अपनी जैकेट पहन लेंगे। रुकिए, एक जादुई जैकेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे डाल लेता हूँ। वैसे मैं अभी फकैती मारने के लिए और चुतिया सॉरी। तो बस टाइम पास के लिए मैंने इस जैकेट को पहन लिया ना, इस ये हमें बम से बचाएगा ना किसी और चीज़ से। और हम इसके स्लीव्स को मोड़ लेते हैं। लग रहा है ये फैशन वीडियो बन जाएगा अनबॉक्सिंग की जगह। तो चलिए, हमारे झमुरा हाथ में आ चुका है जिससे हम अपने वीडियोस को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए लेट्स गो बिगिन विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बस्ता देखने को मिलता है मेरे यहाँ पे डिब्बे में। तो इस बस्ते को सिंपली से आप यहाँ पे खोल सकते हो, कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप, मैंने सिंपली से इसे खोल लिया और ये देखिए एक बस्ता के अंदर बस्ता। भाई स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, दिक्कत कहीं ना हो जाए। और ये आया है हमारा एमआई की तरफ से, इस डिब्बे में भी एमआई छिपा हुआ है, लेकिन हम इस डिब्बे का कोई वैल्यू नहीं देंगे और इस डिब्बे को इस तरफ फेंक देंगे और ये डिब्बा का कहानी खत्म। और इस डिब्बे का कहानी चालू हो चुका है और आपको ऊपर से देखने पता चल रहा होगा ये क्या है, वो गोल सा लाइट है इसके अंदर, ठीक है। और ये लाइट बहुत स्पेशल है, ये नहीं कि नॉर्मल सा लाइट है, जलेगा भुकाएगा और उसके लिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, नहीं। ये लाइट जितना स्पेशल है उतना ही बहुत खास है। आपको इसके ऊपर वेरिएंट्स देखने को मिल रहा होगा, नीचे भी देखने को मिल रहा होगा कोड, ये देख सकते हो आप, नाम वूम देख सकते हो इधर में सब कुछ। ये डिब्बा ऐसी फुल पैक है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और इसे ओपन करने के लिए, हम कोई भी प्रोफेशनल अनबॉक्सर नहीं है, तो इसे बहुत प्रेम से अनबॉक्स किया जाएगा, वो भी हमारे हाथों से, जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। ये रहा बस्ता और ये रहा हमारी प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग। ओ भाई साहब, यहां देखिए एक बस्ता नहीं खुल रहा अपने से। कैची लाओ रे, कैची रे रे, कैची लाओ, छोड़ो पेन का इस्तेमाल किया जाएगा आज। देखिए किससे खोला गया है, पेन ड्राइव से खोला हूं मैं इस बस्ते को। और आप बोलोगे कि कोड के ऊपर के बस्ते को क्यों खोल रहा है, तो ये देखिए कितने मस्त मजा आ गया खोल के। यहाँ पे ये खुल चुका है। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर गोल सा चीज है, जो आपको शायद मैंने उल्टा खोल लिया इस बस्ते को। कोई नहीं, यहाँ पे इसमें से लाइट निकल रहा है जो आपको देखने में मजा आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे करके मैंने प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग की है। ये रहा आपका छोटा सा लाइट जो बहुत प्रोफेशनल है मेरे हिसाब से। और इसके ऊपर भी प्लास्टिक स्टिक लगा हुआ है जो कोई औकात का नहीं, इधर फेंक दिया मैंने। यहाँ पे भी हमें कुछ पुस्तकें मिलती हैं, पुस्तकें आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, इसे मैं पढ़ूंगा जरूर, लेकिन अभी तो कोई काम का नहीं है तो फेंक दिया मैंने। और ये रहा हमारा डिब्बा जिसके अंदर ये लाइट आया था। और इस डिब्बे को हमें बहुत डर लग रहा था जिस कारण हमने ये जैकेट पहना, इसलिए इस डिब्बे को भी फेंक दिया जाता है यहाँ से आज। अब ये आता है हमारे सामने हमारा लाइट, कोई प्रोफेशनल लाइट नहीं लग रहा अभी आपको, मुझे पता है,
लेकिन इसके अंदर जब आपको तीन बैटरी डाल के मैं दिखाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एक प्रोफेशनल लाइट है। दूसरी बात, आप अगर इसके पीछे देखो तो ये लाइट पीछे से यहां जा रहा है। अब आप सोच रहे हो भाई कैसे जा रहा है, ये कहीं पे भी जा सकता है इसका स्टैंड, और आप इसको कहीं पे भी कैसे भी लगा सकते हो। पहली इसकी ये खासियत है, इसके सामने जैसे ही कोई बड़ा इंसान या कोई इंसान आता है तो ये अपने आप ग्लो कर जाता है, मतलब अपने आप जल जाता है, और जैसे ही इसके सामने से कोई इंसान हटेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। वो कैसे, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। और इसके पीछे आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे एक चुंबक लगा हुआ है, चुंबक की तरह से चिपका हुआ है। देखिए प्लेन है, एकदम प्लेन है जो, और ये बहुत ज्यादा प्लेन है, देख सकते हो आप, इसके बाहर से प्लेन है और ना इसके पीछे कुछ है, लेकिन ये ऐसे करके चिपक जाता है, बहुत सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग देता है ये। आप देख सकते हो इसके पीछे ऐसे है, ये ऐसे चिपक गया। ये एक मैग्नेटिक फील्ड से चलता है, अब वो उतना मैं आपको सिखाऊंगा तो बस दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज, इसके पीछे जो आपको एक ग्लू मिलता है, ग्लू जिससे आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे ये ग्लू मिलता है, ठीक है, जिससे आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो या कहीं पे भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये देखिए, आपको यहाँ पे ग्लू मिल रहा है, ये वाला ग्रे ग्रे कलर का, ये ग्लू को आप कहीं पे भी लगा के ऐसे इसको चिपका सकते हो और इस लाइट को लगा सकते हो। ये आपके स्टूडियो में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मतलब अच्छा से स्टूडियो बनाना चाहते हो तो। तो चलिए देखते हैं इसकी खासियत और इसको जला के अब देखेंगे। और पहले हम सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग ले लेते हैं टेक बर्नर भाई की तरह। ये तो हाथी में चिपक गया, ये सेटिस्फेक्शन फीलिंग ही मस्त आ रहा है ये वाला। इसके आगे आप ये वाला चीज आराम से इसे चिपका सकते हो, हटा सकते हो इस लाइट को अलग से और इसे चिपका सकते हो। रुकिए मैं अभी आप देख लेती है इस लाइट के अंदर, यहाँ पे आपका ये लाइट होल हो गया पूरा, ये लाइट खुल चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे खुल चुका है ये पूरा इक्विपमेंट। और ये तो अब आपको इसके अंदर बैटरी फिट करना होगा। बैटरी कैसे फिट करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बैटरी लानी पड़ेगी, तो पहले मैं जाके बैटरी लेके आता हूँ। चलो मैं बैटरी लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लेके आ चुका हूँ। अभी आप बोल रहे होगे इधर से गया उधर से आया, तो उतना आप माइंड मत करो, मैं लाइट लेके आ चुका हूँ, मतलब सॉरी बैटरी लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्यूरासेल की तीन बैटरीज लेके आया हूँ और तीनों मैंने अलग अलग जगहों से निकाली है। अब उस जगहों से नहीं, दो रिमोट से और एक अपनी घड़ी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास तीन बैटरी है, ये रहा जिसमें हमें अपनी बैटरीज को फिट करना है, ये रहा उसका कंपोनेंट जो मतलब लगता है, और ये एक चुंबकी टाइप का है, ये जो स्टील का आप देख रहे हो स्टील लगा हुआ है, अब इसके पीछे चुंबक है तो ये इसके अंदर चिपक जाता है और इसके पीछे ग्लू लगा हुआ है। तो ये आपको असेंबल करना है पूरा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको असेंबल करना है, कैसे करना है, वो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इस ढक्कन को खोला है, इस ढक्कन को खोलने के बाद आपको यहाँ पे तीन बैटरीज फिट करनी है। मुझे पहले दिख गया था तीन बैटरीज है, इसीलिए मैं पहले से ही लेके आ गया तीन बैटरीज। तो यहाँ पे मैं तीन बैटरीज फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सिंपली से आपको यहाँ पे तीन बैटरीज को फिट करना है, एक दो और यहाँ पे हमारी तीसरी बैटरी असेंबल हो गई। असेंबल होने के बाद ये आपका लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगा। अब आप बोल रहे होगे भाई ग्लो कर रहा है कैसे, ये तुम वर्क करने बोलेगा, नाइट लाइट मॉडरेटेड और येलो, बहुत सारी चीजें इसके पीछे लिखी हुई है जो आप चेकआउट कर सकते हो। अब आप यहां से इसको ऑफ ऑन कर सकते हो। देखिए ये आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, देखिए इसके पीछे एक बटन मिलता है आपको जिससे आप इसे ऑन ऑफ रख सकते हो, ऑन या ऑफ। तो इसे ऑन रखता हूं मैं, देखिए ऑफ रखा मैंने, ऑन किया, रुकिए इसके फंक्शंस को मुझे समझना होगा। तो इसकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर इसके सामने अगर अंधेरा कर दिया जाए या अगर आप यहाँ पे कितना भी मतलब मान के चलो यहाँ पे अंधेरा हो गया, बॉडी मूवमेंट हो रहा है इसके सामने, जैसे मतलब अंधेरा छाया हुआ है लाइट के सामने, तो ये जल जाएगा। और अगर इसके मतलब 15 सेकंड बाद अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे आप मतलब मैंने फिर से फेंक दिया इसे, तो यहाँ पे ये लाइट नहीं जला हुआ है, लेकिन मान के चलिए मैं इस लाइट को ऐसे कर लेता हूँ तो ये यहाँ से ऐसे जल के निकलेगा। अब रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ ये लाइट है और यहाँ पे मैं ऐसे हाथ रख दूंगा, तो मान के चलिए यहाँ पे ये बॉडी मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट पे ये लाइट पूरा वर्क करता है। मैं मान के चलिए मैं यहाँ अंधेरा करता हूँ, पूरे रूम में अंधेरा कर देता हूँ, तो देखिए पूरे रूम में जैसे ही मैंने अंधेरा किया यहाँ पे ये लाइट एकदम सूरज की तरह चमकने लगा। ये लाइट तब आपको काम आएगा जब आप किसी और चीज का या किसी ऑब्जेक्ट मतलब
किसी अच्छी चीज का इस्तेमाल करोगे। मतलब अगर आपका लाइट यहाँ पे बंद है, देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऐसे लाइट जल गया ही है, ये अच्छा लग रहा है लाइट देखने में। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे सारे स्विचेस को ऑन कर दिया, रुके मैं अभी जाके सारे स्विचेस ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारे स्विचेस ऑन कर दिए, सारे स्विचेस ऑन कर दिए, तो ये रिंग लाइट, ये लाइट जल रहा है अभी भी। अब आप सोच रहे लाइट जल रहा है, तो यानी आपको क्या करना है, सिंपली से इसको यहाँ पे ऐसी स्टेबल छोड़ देना है और आपको कम से कम इसे 15 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है, अगर आपको इसका मतलब फंक्शन देखना है। तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ कैमरा ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैं इसका फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिख रहा होगा अभी आपको, तो यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे लाइट जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये लाइट जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब वो कैसे, रुकिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये लाइट अपने आप बंद हो चुका है कुछ सेकंड्स के बाद, और आप सिंपली से इस लाइट को इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और इस लाइट का आपका यही काम है। रुकिए मैं अभी लाइट अपना ऑन कर लेता हूँ, ये रहा मेरा बटन, ये रहा मेरा लाइट। तो यहाँ पे मैंने इस लाइट का यही काम है कि अंधेरा में अगर कोई है, और मतलब आप चाहो तो इसे नाइट बॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जो ये सेटिस्फेक्शन है ना, ये सबसे भयानक है, और इसके जो इस रोटेट करने का ये जो स्टाइल और यही सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इस लाइट को मैंने ऐसे टाइम पास के लिए लिया, कहीं टूट ना जाए, बहुत महंगा लाइट है। और अगर आपको इस लाइट को बाय करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये एमआई की तरफ से मेरे पास, मतलब मैंने प्रोडक्ट ले लिया था, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो ये रहा आपका ये सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग। तो अगर आपको आज का वीडियो के लिए अनबॉक्सिंग अच्छा लगा और मैं इतना खर्चा आप लोगों के लिए करता हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक बात बता देता हूँ, इस लाइट का गिव अवे हो सकता है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहीं पे गिव अवे करूंगा इस लाइट का। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।